अस्सलाम वालेकुम गाइस, लास्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके हैं। पेपर्स की डेट आ चुकी है 16 मार्च, और इस दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो लाजमी सॉल्व करें। और अभी हमारा चल रहा है रिवीजन सेशन, तो इस सेशन में सारे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 25 ईयर्स में आ चुके हैं, सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को लाजमी फॉलो करें ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। पेपर 9 है वेरिएशंस, इसके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आज पास्ट पेपर्स वाले। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी, तो आपने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते हैं हम, और इन्होंने क्वेश्चन में हिंट दिया आपको कि इससे लेकर चलना है आपने। तो क्या करेंगे, ए रेशो बी का मतलब है ए अपॉन बी, सी रेशो डी का मतलब है सी अपॉन डी। आपने लेट करना है, सपोज करना है आपने कि ए रेशो बी बराबर है के के, सी अपॉन डी बराबर है के के। यहाँ से बी ऊपर जाएगा, यहाँ से डी ऊपर जाएगा, ए की वैल्यू बन जाएगी बी के, सी की वैल्यू बन जाएगी डी के। आपने इस ए की वैल्यू और सी की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी टी, ए सी माइनस बी डी। ए के बदले में ए की वैल्यू बी के, इस पर स्क्वायर लगाया तो ये जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ए के बदले में बी स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए लगा कि स्क्वायर था इसके ऊपर, माइनस बी स्क्वायर। अगेन ए के बदले में बी के, सी के बदले में डी के, सी के बदले सी की वैल्यू डी के, ए के बदले में बी के, सी के बदले में डी के, प्लस बी डी ऐसे ही आ गया, माइनस बी डी ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो मैं उसे कॉमन अलग कर लूँगी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर बचा, प्लस बी स्क्वायर वन ज़ा बी स्क्वायर। यहाँ पर भी बी स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर बचेगा, माइनस बी स्क्वायर वन ज़ा बी स्क्वायर। बी डी के और के स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया ना, प्लस बी डी बी डी के और के स्क्वायर माइनस बी डी, ये वैल्यू फिलहाल ऐसी आ जाएगी, के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर माइनस वन। इन दोनों में बी डी कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बी डी कॉमन है, अंदर बचेगा के स्क्वायर माइनस वन। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हुआ है के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर माइनस वन, के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर माइनस वन। अब एक चीज़ नोट करें, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई है, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई है, तो मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। हमने प्रूव भी ये करना था कि लेफ्ट साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अगर इस तरह से प्रूव नहीं हो सकता है तो लेट के करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर है बिकॉज ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन पाते हैं इसी चैप्टर के, ये वाला क्वेश्चन कितने ईयर्स में रिपीट हुआ हुआ देखें, तो 8, 10, 13, 16, 18, तो 20 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, और जिस चीज़ का पता हो कि चांसेस हैं आने के, उसको रट लेना चाहिए समझ के। इफ़ ये वैल्यू आपको दी हुई, अगर इस वैल्यू से आपने प्रूव करना है कि ये वाली पूरी साइड इस साइड के इक्वल है, हम इसको लेकर चलेंगे ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। उन्होंने बताया है कि तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, हम लेट कर लेंगे कि तीनों वैल्यूज के बराबर हैं। B यहाँ से जाएगा ऊपर, D यहाँ से ऊपर जाएगा, F यहाँ से ऊपर जाएगा, A इक्वल्स टू बी के, सी इक्वल्स टू डी के,
एंड ई इक्वल्स टू एफ के। इसको लिखते हैं यहां पे, ए फोर के बदले ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू है बी के, और चूंकि फोर लगा हुआ यहाँ पे तो मैं बी फोर के फोर कर दूंगी और ये बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अगेन ए के बदले बी के स्क्वायर लगा हुआ है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ई के बदले ई की वैल्यू जो है एफ के, ई पे भी स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर। ई फोर के बदले एफ फोर के फोर, ये वाला एफ ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ए के बदले ए की वैल्यू बी के बट बी फोर के फोर, बी फोर यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे बी सिक्स ऐसे ही आ जाएगा। नीचे वाली सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएंगी क्योंकि इनको हमने कैसे इक्वेट नहीं करा है। बी फोर और बी स्क्वायर बी सिक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर्स प्लस हो जाती हैं, प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही आएगा, एफ स्क्वायर ऐसे ही आएगा, के स्क्वायर के स्क्वायर के फोर हो जाएगा, माइनस एफ और एफ फोर एफ फाइव के फोर ऐसे ही आ जाएगा। बी सिक्स बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ फाइव इक्वल्स टू, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, कॉमन है बी फोर बी फोर और यहाँ बचा था के फोर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है, तीनों में के फोर के फोर के फोर, जो चीज तीनों में है वही कॉमन होगी, के फोर कॉमन है, अंदर बचेगा बी सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ फाइव, और नीचे बचा बी सिक्स बी स्क्वायर एफ स्क्वायर। नीचे क्या बचा है, नीचे वाली वैल्यू बची है इक्वल्स टू के फोर, इस वाली वैल्यू से पूरी ये वैल्यू कट जाएगी, के फोर बचेगा और यहाँ पे के फोर बचेगा, लेफ्ट साइड बराबर हो गई राइट साइड के। हमने प्रूफ भी ये करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऐसे डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते, तो लेट के करके प्रूफ करेंगे जो